नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एट प्रोटेक में। दोस्तों, मेरा लास्ट वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया था, इसलिए आज फिर मैं एक माइक्रो कैप की कंपनी को लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर काफ़ी गिरे थे और अभी सारे शेयर के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। कई शेयर तो ऐसे हैं जिनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फंडामेंटल भी इतना अच्छा नहीं है कि जिसके प्राइस को सपोर्ट कर सके। ऐसे में आप किसी पूरा क्वालिटी के शेयर में ट्रैप हो ना जाएं, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल होकर शेयर खरीदने चाहिए। आज मैं एक माइक्रो कैप कंपनी का एनालिसिस लेकर आया हूं जिसका फंडामेंटल काफ़ी सॉलिड है और शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल भी रखता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि और मैं पिछले वीडियो में भी आप बता चुका हूं कि कॉटन यार्न का प्राइस बहुत बढ़ रहा है और इसके कारण सारे स्पिनिंग मिल के शेयर प्राइस भी बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जगह ये न्यूज में भी है। तो इस सडन यार्न प्राइस बढ़ने के कारण क्या है, तो अब देखते हैं कि यार्न का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो एक चाइना की कंपनी है XPCC, वहाँ से USA ने कॉटन इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया है और इस वजह से ये अभी बहुत ही ह्यूज डिमांड आ गया हमारे एक्सपोर्टर के पास। हमारे जो गारमेंट एक्सपोर्टर हैं उनके पास अभी काफ़ी डिमांड है, बहुत सारे कंट्री से उसका डिमांड अभी ज़्यादा हो गया है। अभी अमेरिका में जो ख़राब मौसम है उसकी वजह से वहाँ का जो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग है, कॉटन प्रोडक्शन है, उसमें अभी थोड़ा कमी आ गई क्योंकि वो 100% कैपेसिटी रन नहीं करी। अभी जो कोविड सिचुएशन है उसमें भी अभी लेबर का थोड़ा शॉर्टेज है, इस वजह से भी जो स्पिनिंग मिल्स है वो 100% कैपेसिटी पर काम नहीं कर रही है। अगर लेबर अवेलेबल हो भी जाते हैं अगले 1-2 मंथ में, तब भी मुझे लगता नहीं है कि इतने जल्दी इसका जो कॉटन का प्राइस है वो इतने जल्दी करेक्ट होगा। और जो क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड वाइड इसका ह्यूज डिमांड है। अभी टेक्सटाइल सेक्टर को इस साल बजट से अच्छा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। टेक्सटाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर है, इसलिए गवर्नमेंट इस सेक्टर में काफ़ी सपोर्ट दे सकती है। ऑल्सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। अभी जो एंटी चाइना सेंटीमेंट है, ये पूरा दुनिया में एंटी चाइना सेंटीमेंट है कोरोना को लेकर के, तो इसका फ़ायदा होना उठाना चाहिए गवर्नमेंट को। इसकी इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया ग्रैब कर रही है और अपने टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट को पुश कर रही है। तो बहुत सारे जो USA कंपनी है वो भी अभी इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं, इस कारण टेक्सटाइल सेक्टर के जो शेयर्स हैं बजट तक काफ़ी बुलिश रहेगी। और ये अच्छा हो मौका है कि आप अभी से टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर्स खरीदें और बजट से ठीक पहले आप अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज मैं जो कंपनी डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो माइक्रो कैप कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ, वो इसी सेक्टर से रिलेटेड है और इस कंपनी का नाम है अमर ज्योति स्पिनिंग मिल्स। इसका मार्केट कैप ओनली 77 करोड़ का है। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि माइक्रो कैप कंपनी है और इसका करंट स्टॉक प्राइस है 114 रुपीज, जो कि रिसेंटली 50 रुपीज़ से 114 रुपीज़ पर आया है। बुक वैल्यू पर शेयर 211 रुपीज़ का है, तो अभी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है इसका करंट प्राइस। प्राइस टू बुक रेशियो है 0.55%। और टोटल डेट इसके पास है वो है 81 करोड़ का और कैश ऑन बुक इसके पास जो कैश है वो है 21 करोड़ का और इसने कंसिस्टेंट डिविडेंड पे किया है। अमर ज्योति स्पिनिंग मिल्स का अगर आप क्लाइंट देखें, इसका जो मेजर क्लाइंट है उसमें है एडिडास, लिवाइस, लाइफस्टाइल, कप्पा, ऐसे बहुत सारे मेजर ब्रांड हैं इसके जो इसके क्लाइंट्स हैं। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखें पिछले कई साल में, तो इसका नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है। वो 13 करोड़, 10 करोड़, अभी भी इसका 12 करोड़ है इस साल 20 में भी। अगर इसका EPS देखें, अर्निंग पर शेयर भी देखें, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अभी इस पर भी देखें तो मार्च 20 में इसका EPS था 70 रुपीज़, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। आइए, जो कंपनी है टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में आती है, जो इंडिया के जो टॉप 5 प्रोड्यूसर हैं जो प्रीमियम क्वालिटी के यार्न बनाते हैं। और जो इनका जो मेलंग यार्न है इस पर काफ़ी अच्छा मार्जिन भी है, जबकि इसका रिसेंटली इसका शेयर प्राइस 100% बढ़ा है, 50 रुपीज़ से 114 रुपीज़ पर आ गया है। फिर भी इसका अभी भी इसका जो PE रेशियो है वो अभी भी 6 के पे है, इसका 6 PE है, जो कि 10 बिलो 10 है। अभी आप देखिए पिछले क्वार्टर में इसने अपना डेट काफ़ी कम किया है, जो 125 करोड़ से 81 करोड़ किया है।
पिछले कई साल से जो बहुत सारे कंपनी है जो कि अपने एबिटा में को मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे एक कंपनी है जो कि बहुत ही हेल्दी एबिटा दिया है। अगर आप इसका एबिटा देखें फाइनेंशियल 18 में 39 था, जो कि 19 में 50 हो गया, और इस साल 2020 में थोड़ा कम होने के बाद भी, सभी कंपनियों पे आप जानते हैं कि कोविड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके बाद भी इसका एबिटा अभी 38 करोड़ से है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोविड टाइम में भी इसने अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखा है। इसका कैश प्रॉफिट सितंबर 20 में अगर देखें तो 8.6 करोड़ का था। जून क्वार्टर में भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था लॉकडाउन का, उस समय भी इसका कैश प्रॉफिट 4 करोड़ का था। इसका शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं तो इनके जो प्रमोटर्स हैं, इनके पास 55% शेयर्स है और कोई भी शेयर्स प्लेज्ड नहीं है। HNI के पास 11% है, इंस्टीट्यूशन के पास 6% है, और रिटेल के पास 26% है, जो कि 18 लाख शेयर्स है। और कुछ समय पहले तक अनिल कुमार गोयल के पास 3.56% शेयर था जून 20 तक, बाद में उन्होंने सेल कर दिया। डोली खन्ना के पास भी इनका 1.15% स्टेक था, हालांकि वो भी बाहर निकल गए। तो इस साल जब मार्केट नीचे आया था तो काफ़ी सारे लोग इससे शेयर से निकल गए थे, लेकिन इससे एक चीज़ तो पता चलता है कि इन जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इनके पास ये शेयर था, मतलब उन्हें भी इस कंपनी में फेथ था, पहले फेथ था, और अभी फिर सब कंपनी ग्रो हो रही है तो फिर से वो वापस आने की चांसेस बहुत है। ये बहुत चांस है कि वो वापस इसमें आए, तो इससे पहले कि बड़े प्लेयर्स इसमें खरीदना स्टार्ट करें, ये बहुत ही अच्छा मौका है कि इसके शेयर को खरीदा जाए। और अभी जो इसका रिसेंटली 50 रुपीज़ से 114 हुआ है, तो हो सकता है कि बड़े प्लेयर इसमें फिर से उन्होंने एंट्री किया होगा। अब जब दिसंबर 20 का शेयर होल्डिंग डेटा आएगा तभी पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े प्लेयर इन्होंने इसमें एंट्री किया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस अमर ज्योति स्पिनिंग मिल्स को क्यों चुना है, क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भरोसे वाला है, और इसका जो डिविडेंड पेइंग रिकॉर्ड भी अच्छा है। इसने रिसेंटली अपना डेट को भी रिड्यूस किया है, और ये जो है इनका जो प्रेजेंस है वो प्रीमियम सेगमेंट का मेलंग यार्न बनाने में है, जिसमें कि बहुत ही हाई मार्जिन है। और इनका एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी 10% ऑफ सेल्स है, इनका जो टोटल सेल्स का 10% एक्सपोर्ट होता है। हालांकि अभी ASM कैटेगरी में इसके शेयर ASM कैटेगरी में, उसके बाद भी ये इसका 20% का सर्किट फिल्टर है, और शेयर पहले भी कई लोग बड़े इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर चुके हैं, जिसमें डोली खन्ना है, अनिल कुमार गोयल है, और जैसा कि अभी रिसेंटली इसका प्राइस बहुत इंक्रीज हुआ है, तो मुझे लगता है कि फिर से बहुत सारे लोगों ने एंट्री किया होगा इसके शेयर में। वो अभी इस क्वार्टर का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो पता चलेगा तो इसको ट्रेड कैसा करना है। तो रिसेंटली जिस तरह का इसका प्राइस मैंने देखा है कि 50 रुपीज़ से डबल हो गया, बहुत जल्दी डबल हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर जो है इसको धीरे धीरे एक्युमुलेट कर रहे हैं, इसको डेली बाई कर रहे हैं। तो अच्छा होगा कि स्मॉल स्मॉल क्वान्टिटी से ख़रीदा जाए, जब भी करेक्शन आता है थोड़ा ज़्यादा खरीद सकते हैं। और मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि मैं इसे थोड़ा थोड़ा खरीद रहा हूँ, और इसका हाफ क्वांटिटी है, इसके लिए मैंने टारगेट रखा है 150। अगर 150 टारगेट आता है तो मैं इसमें हाफ प्रॉफिट बुक करूँगा, और फिर बजट के बाद देखते हैं कि अगर बजट अच्छा हुआ तो उसके बाद इसका प्राइस 180 भी जा सकता है। लेकिन इसमें सावधानी यही रखना है कि कॉटन के प्राइस को हमेशा देखना है कि इसमें अगर किसका मूवमेंट कैसा है। अगर कॉटन का प्राइस अगर निगेटिव होता है तब हो सकता है कि ये स्टॉक भी क्रैश कर जाए, तो ये इस पर हमें कॉटन के प्राइस पर इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, बजट के समय मैं जो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स होता है मेरे पास, उसे मैं एग्जिट कर जाता हूँ ताकि कोई निगेटिव सरप्राइज ना मिले। चलो अच्छा है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा ना हो लेकिन नुकसान कम होना चाहिए, इसलिए मैं बजट के समय बहुत सारे शेयर्स से एग्जिट कर जाता हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज आने के चांसेस लगती है। इससे पहले कि इसका प्राइस और बढ़े, एक अच्छा मौका है इसको खरीदने का। अभी सारी टेक्सटाइल कंपनी फोकस में है, बजट से पहले इसमें एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो थम्सअप दीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए।